यस स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रुप टेरिडोफाइटा एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी एज यूजुअल। जैसा कि अपना पहला लेक्चर हमेशा इंट्रोडक्टरी होता है, जिसमें हम लोग बहुत ध्यान से कुछ ज़रूरी चीज़ें, प्राइमरी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं जो सबको, बच्चों को मालूम होनी चाहिए। बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपको नीट का पेपर क्वालीफाई करना है तो आपके पास जितने भी प्लांट ग्रुप आप पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स आपको मालूम होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो एग्जाम्पल का नाम लिख दे और आपसे कोई क्वेश्चन वही पूछ ले जो आपको टेरिडोफाइटा में पूरा आता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल कन्फर्म नहीं है कि ये टेरिडोफाइट्स है कि नहीं। इसलिए पहला काम, जितने भी प्लांट ग्रुप हों उनके एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए। इसीलिए मैं लेक्चर में सबसे पहले वही काम करके रख देता हूँ। देखिए बच्चों, टेरिडोफाइटा में फर्न आते हैं, सेलग नीला आता है। सेलग नीला के बारे में आपको एक चीज़ बता दें, सेलग नीला एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। हेट्रो वर्ड से ही पता लगता है कि इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो दो तरीके के बनेंगे, छोटे भी बनेंगे और बड़े भी बनेंगे, यानी मैक्रो स्पोर्स भी बनेंगे और मेगा स्पोर भी बनेंगे और माइक्रो स्पोर्स भी बनेंगे। क्लियर बात हो गई? तो जो टेरिडोफाइट्स होंगे उसमें जो आप सेलग्नीला देख रहे हैं वो एक हेट्रोस्पोरस है। क्लियर? नाउ एजोला, वो भी हेट्रोस्पोरस है। मेडिकल का तो यहीं से क्वेश्चन चालू हो रहा है। हेट्रोस्पोरस क्यों कहा? आप समझ गए कि इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, फ्यू टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। क्योंकि बच्चों, टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होगा, जो स्पोरेंजिया में बनेंगे। स्पोर्स किस में बनेंगे? स्पोरेंजिया में। रेंजियम सिंगुलर होता है, क्लियर है? और जिस लीफ पर ये स्पोरेंजिया बॉर्न होंगे, बनेंगे, उसको पढ़ा देंगे स्पोरोफिल, PHYLL। आगे बात करूंगा लेक्चर में। देखिए, फर्न, सेलग्नीला, एजोला, साल्विनिया, मार्सीलिया। तो सेलग्नीला, एजोला, साल्विनिया और मार्सीलिया, ये बच्चों हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। इसमें दो तरीके के स्पोर्स बनेंगे, छोटे वाले माइक्रो स्पोर्स और बड़े वाले मेगा स्पोर्स। क्लियर? और बनेंगे किसमें? स्पोरेंजियम में। और स्पोरेंजियम जिस लीफ पर होगा उस लीफ को कहेंगे स्पोरोफिल। इसको मैंने दोबारा इसीलिए रिपीट कर दिया। बच्चों, इसमें जो एडियंटम है वो वॉकिंग फर्न कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा गया एम्स में भी कि एडियंटम वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं, तो एडियंटम हमें ध्यान रखना है। क्लियर? एक लिविंग फॉसिल भी इसमें पाया जा रहा है, साइलोटम। पी से स्पेलिंग है, पी इज़ द साइलेंट एयर। साइलोटम आर लिविंग फॉसिल और हॉर्स टेल यूकिसिटम और होमोस्पोरस लाइकोपोडियम। जैसे मोस्टली टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं जैसे कि लाइकोपोडियम, लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं, जैसे कि मैंने बताया सेलग्नीला, एजोला, साल्विनिया, मार्सीलिया। क्लियर? तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। हमें एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखने हैं। एडियटम वॉकिंग फॉर्न है, ध्यान रखना है। साइलोटम लिविंग फॉसिल है, बहुत ध्यान रखना है। यूकिसिटम हॉर्स टेल है, ये ध्यान रखना है। और ऊपर जो मैंने लिखा सेलग्नीला, एजोला, साल्विनिया, मार्सीलिया, ये बच्चों हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्स टेरिडोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप, होमोस्पोरस जिसमें एक ही तरह के स्पोर्स बनते हों, हेट्रोस्पोरस जिसमें दो तरीके के स्पोर्स बनते हों, छोटे वाले माइक्रोस्पोर्स, बड़े वाले मेगा स्पोर्स। जो कि क्या एक एवोल्यूशनरी स्टेप है। क्या है बच्चों? एवोल्यूशन की तरफ स्टेप है। आप देख रहे हैं प्लांट किंगडम में, अब आप टेरिडोफाइट्स के बाद आप फेनोरोगैम्स में चले जाएंगे, मीन्स दैट सीडेड प्लांट में चले जाएंगे। तो जो ये जो हेट्रोस्पोरी है, ये जो फिनोमिना है कुछ टेरिडोफाइट्स में, जैसे सेलग्नीला, एजोला, साल्विनिया, मार्सीलिया, ये क्या है? इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स सीड हैबिट। इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हेट्रोस्पोरी जो पाई जाती है टेरिडोफाइट्स में, जिनमें दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियम जिस लीफ पर स्पोरोफिल, मैंने बार बार आपको इसीलिए बताया क्योंकि जो टेरिडोफाइट है उसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। एडल्ट कैसा है? स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड है, 2N है,
उसमें स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर हुआ? जो आपने पिछला पढ़ा था ब्रायोफाइट, उसका एडल्ट गैमेटोफाइट था। क्लियर? इसीलिए जो लाइफ साइकिल कहलाएंगे टेरिडोफाइट्स की, वो बच्चों क्या कहलाएगी? डिप्लो हेप्लॉन्टिक टाइप। क्या कहलाएगी? डिप्लो हेप्लॉन्टिक टाइप। और जो हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे उसकी कैसी थी लाइफ साइकिल? हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप। तो आपने देखा कि पिछले ग्रुप और इस ग्रुप में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एडल्ट प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होगा, स्पोर्स स्पोरेंजियम में बनेंगे, स्पोरेंजिया जहाँ जिस लीफ पर होंगे उसको स्पोरोफिल पढ़ाएंगे। और ये दो तरीके के टेरिडोफाइट्स होंगे, जो एक तरीके के स्पोर्स बनाए जैसे लाइकोपोडियम वो होमोस्पोरस कहलाते हैं, और जो हेट्रोस्पोरस है जैसे सेलेग्निलिया, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, दीज आर दी हेट्रोस्पोरस। इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। तभी आगे एवोल्यूशन होगा और सीड हैबिट डेवलप होगी आगे आने वाले ग्रुप्स में, आप देखेंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री से जुड़ी हुई। जो टर्म टेरिडोफाइटा है उसको देने वाले साइंटिस्ट हैकेल है। आपने देखा मैंने रेड से लिखा है, रेड आर दी मेडिकल क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। तो देख रहे हैं आप जो रेड कलर है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा। जो टर्म टेरिडोफाइटा है वो देने वाले साइंटिस्ट थे हैकेल। क्लियर बच्चों? एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइट्स हैं। जो फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं वो क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि इनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है। आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकीट, जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, चार तरीके की सेल्स हैं तभी कॉम्प्लेक्स है ना। इसी तरह फ्लोएम भी सीप सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, इसमें भी चार टाइप ऑफ सेल्स हैं तभी कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों आप देखेंगे जो ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, सबसे पहला वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कौन है? आंसर इज टेरिडोफाइट्स। तो आपको एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए, पढ़ने का ढंग यही होना चाहिए। कोई पूछ ले कि एजोला क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। कोई एग्जाम्पल से पूछ ले तो एग्जाम्पल आना बहुत ज़रूरी है, जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं। देखिए ये रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? दीज आर नोन एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहलाते हैं? रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं ये रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, क्योंकि ये क्रीपिंग वाटर से लाइफ कहाँ प्लांट की आती जा रही, टेरिस्ट्रियल मोड में आती जा रही। ठीक है, एक चीज़ और है, ये कूल सैडी और मॉइस्ट प्लेसेस को प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए। कूल सैडी और मॉइस्ट प्लेसेस को प्रेफर करते हैं अपने रैपिड ग्रोथ के लिए। क्लियर हुआ बच्चों? एक चीज़ है, दे आर नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट। एक सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ द वाटर द मल्टी सीलिएटेड कह लीजिए मल्टी सिलिएटेड एंथ्रोजॉइट रीच द फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ द वाटर, सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। दिस इज द रीजन दे आर नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्योंकि वाटर मैंने लिखा है रेड से, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर? हाँ, प्लांट बॉडी देखें तो रूट भी होगी, स्टेम भी होगा और लीफ भी होगी। आपने ब्रायोफाइट्स में देखा था रूट्स की जगह राइजोइड्स थे, किसी ब्रायोफाइट्स में यूनिसेलुलर अनब्रांच थे, किसी में मल्टी सेलुलर ब्रांच थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, जिन्हें रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, जिसमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दो तरीके के टेरिडोफाइट्स आते हैं, वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट नहीं है, क्योंकि उन्हें वाटर चाहिए होगा अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए दे आर रिक्वायरिंग वाटर। प्लांट की बॉडी में रूट भी होगा, स्टेम भी होगा, लीफ भी होगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी यहाँ पर बच्चों, वो लीफ, मैंने अभी लीफ के बारे में बात की थी कि वो लीफ जिस पर स्पोरेंजिया होता है उसको कहते हैं स्पोरोफिल, PHYLLS, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ। क्लियर हुआ? क्लियर?
और नॉर्मली जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होंगी उनको क्या कह देंगे, उनको कहेंगे ट्रोफो। ट्रोफो माने फूड होता है बच्चों, तो ट्रोफोफिल्स बोल देंगे, यानी वेजिटेटिव लीफ। तो फर्न में दो तरीके की आपको लीफ देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी? एक आपको देखने को मिलेगी स्पोरोफिल, देखिए मैं नाम लिखता हूँ, एक आपको लीफ देखने को मिलेगी स्पोरोफिल। लीव्स आर ऑफ टू टाइप, स्पोरोफिल्स जिस पर स्पोरेंजिया होगा, क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर्स होंगे, क्योंकि प्लांट की बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक है, रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होगा, तभी तो मैं होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस दो तरीके के टेरिडोफाइट बनाता हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर एक तरीके के केवल स्पोर्स डेवलप हो रहा है, और ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें दो तरीके के स्पोर्स हैं, छोटे वाले माइक्रो, बड़े वाले मेगा स्पोर्स, जो कि एक एवोल्यूशनरी स्टेप है टुवर्ड्स द सीड हैबिट। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। आगे चलिए देखते हैं। नाउ ऐसी लीव्स जहाँ पर स्पोरेंजिया उनको स्पोरोफिल, और वो वाली नॉर्मल लीव्स जो फोटोसिंथेसिस का काम कर रही, खाना बनाने का काम कर रही है, उसके लिए वर्ड यूज़ कर देते हैं ट्रोफोफिल्स, TROPHO, ट्रोफो और फिल्स आप नाम लगा दीजिए आगे। तो खाना बनाने वाली फूड वाली आपकी ट्रोफोफिल्स, और जिसमें स्पोरेंजिया डेवलप हो रहा है वो स्पोरोफिल। तो लीव दो तरीके की हुई। चलिए रूट की बात करता हूँ। जो प्राइमरी रूट होती है वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, फिर रिप्लेस हो जाती है एडवेंटियस रूट से। क्लियर हुआ? क्लियर बच्चों? जहाँ पे प्राइमरी वर्ड लगता है इसके मतलब वो रूट डेवलप हो रही है। कहाँ से डेवलप हो रही है? वो रेडिकल से डेवलप हो रही है। क्लियर हुआ? और बिसाइड दी रेडिकल अगर कहीं और से कोई रूट डेवलप होती है नोन एज एडवेंटियस रूट्स। क्लियर? तो इसमें जो प्राइमरी रूट होती है अलाइव फॉर शॉर्ट पीरियड, जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं जिस ग्रुप को आप पढ़ रहे हैं उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी प्राइमरी रूट अलाइव फॉर शॉर्ट पीरियड एंड रिप्लेस बाय एडवेंटियस रूट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, स्टेम देखते हैं। स्टेम इरेक्ट होगा, प्रोस्ट्रेट होगा, ठीक है, कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं टेरिडोफाइट्स में अंडरग्राउंड होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे इन केस ऑफ फर्न ड्राफ्ट टेरिस स्टेम कैसा होगा? अंडरग्राउंड होगा, ऑब्लिक होगा, मीन्स दैट सच टाइप ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। क्लियर? आगे देखिए लीफ में बच्चों ध्यान दीजिएगा, लीफ में भी ऐसे दो टेरिडोफाइट, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ जो टेरिडोफाइट्स हैं वो टू टाइप हैं, स्पोर्स के भी फॉर्म में, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स में भी दो टेरिडोफाइट्स आप बताइए, और लीव में भी ध्यान रखिए दो तरीके के टेरिडोफाइट्स हैं। एक मेगा माने बड़ा, मेगाफिलस, मीन्स दैट बात कर रहे हो लीव की ऑन द बेसिस ऑफ लीव बात हो रही, फिलस वर्ड लगा है तो लीव ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेगा लगा है बड़ा होगा, मीन्स स्टेम स्मॉलर लीफ लार्जर, ऐसे टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं मेगाफिलस। क्लियर हुआ? मेगा फिलस देखा, फिलस से लीफ पहुंचो, मेगा से साइज बड़ा करो, स्टेम को छोटा करो। फर्न ड्रॉप्टेरिस इसके एग्जांपल होते हैं मेगा फिलस के, और ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें स्टेम लार्ज हो और लीफ स्मॉलर हो तो उनके लिए माइक्रो, छोटा वर्ड, क्योंकि ऑन द बेसिस आप लीफ पढ़ रहे हो वो बता रहा लीफ इज स्मॉलर, तो यहाँ माइक्रो लगाओ, माइक्रो फिलस। एग्जाम्पल सेलगनीला, एग्जाम्पल क्या है? सेलगनीला बच्चों जो प्लांट की बॉडी है वो स्पोरोफाइट कहला रही, जो एडल्ट होगा इसका वो डिप्लॉयड होगा। ब्राफाइट्स में तो गैमेटोफिटिक था एडल्ट, यहाँ पर क्या है ट्वेल स्टेज में ही एडल्ट है। क्लियर? और रिप्रोडक्शन होगा स्पोर फॉर्मेशन से, किससे होगा रिप्रोडक्शन? स्पोर फॉर्मेशन से होगा। क्लियर बात हो गई? आगे देखिए बच्चों, क्लियर? अब स्पोर्स कहाँ बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया जिस लीफ पर डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे? स्पोरोफिल, मैंने अभी बताया। क्लियर हुआ? अब ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स क्या उस स्पोरेंजिया में एक तरह के स्पोर्स बन रहे हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, क्या उस स्पोरेंजिया में दो तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं छोटे वाले माइक्रो स्पोर्स, बड़े वाले मेगा स्पोर्स, तो ऐसे टेरिडोफाइट को हेट्रोस्पोरस बोल दिया, जैसे कि सेलगनीला, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोस्पोरस।
क्लियर बात हुई। तो बच्चों टेरिडोफाइट में स्पोरोफिल आर फोटोसिंथेटिक, मैंने बात की ना, एंड दिस इज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट। अगर कोई कह दे कि टेरिडोफाइट की यूनिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इन टेरिडोफाइट स्पोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक, इट इज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट। क्लियर हुआ। अब यही स्पोर्स बनेंगे, इन्हीं में स्पोर मदर सेल होगी जो स्पोरेंजियम के अंदर होगी, और स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजियम से बाई मियोसिस, मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन होगा तब 2n से n फेज बनेगी, यानी गैमेटोफिटिक फेज बनेगी। क्लियर। अब उसके अंदर गैमीट फॉर्म करने वाला स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा प्रोथैलस, क्या वर्ड यूज कर दूंगा, प्रोथैलस, जिसमें आर्चिगोनियम भी होंगे और एंथ्रीडियम भी होंगे, जैसे आपने ब्रायोफाइट में देखा। क्लियर। एंथ्रोजॉइट्स भी बनेंगे एंथ्रीडियम से, लेकिन वो एंथ्रीडियम से जो होगा वो क्लब शेप नहीं होगा, ब्रायोफाइट्स में क्लब शेप था, इसमें ग्लोबुलर होगा, और जो एंथ्रोजॉइट्स ब्रायोफाइट में बाईसीलिएटेड थे, ये मल्टीसीलिएटेड होंगे, लेकिन वाटर दोनों ही ग्रुप में ज़रूरत होंगे फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन बोथ द ग्रुप, जो आपने पिछले लेक्चर देखा ब्रायोफाइट का और इसका देखा, उसमें एडल्ट गैमेटोफिटिक से स्टार्ट करिए पढ़ना, इसमें डिप्लॉइड से स्पोरोफिटिक से पढ़ना स्टार्ट करिए। क्लियर हुआ। तो आपने देखा इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा स्पोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक, कैसी हैं, फोटोसिंथेटिक है, इट इज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। क्लियर हुआ बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्पोर्स होंगे इसके टेरिडोफाइट्स में, उनका जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होगा। वर्ल्ड क्या आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्पोरिक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा। और बच्चों एक्सोस्पोरिक नाम से पता लग रहा है कि जो जर्मिनेशन होगा वो स्पोरेंजिया के बाहर, आउटसाइड द स्पोरेंजिया, जर्मिनेशन टेक प्लेस आउटसाइड द स्पोरेंजिया, मीन्स दैट इन सॉयल। दूसरी चीज, इसका अब तो एडल्ट तो डिप्लॉयड होगा, अब जो स्पोरोफाइट हो के बाद जो गैमेटोफाइट होगा बच्चों, वो मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। क्लियर हुआ। क्लियर। जो स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा, और उसको नाम दे देंगे प्रोथैलस, जो गैमेटोफाइट होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा प्रोथैलस, जो इररेगुलर हार्ट शेप्ड होगा मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, जिसमें एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया भी लगे होंगे, जब मैं इसकी लाइफ साइकिल आपको पढ़ाऊंगा। तो आपने देखा इस इंट्रोडक्टरी लेसन में कि आज आपने स्टडी की फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की, जिनका क्या एवोल्यूशनरी रोल है, स्टेप टुवर्ड सीड हैबिट, किसके कारण, फॉर हेट्रोस्पोरी, क्या मैंने सुना मैंने यूज किया नेम हेट्रोस्पोरी, यानी मींस दो तरीके के स्पोर्स बनाने वाले, छोटे वाले माइक्रो, बड़े वाले मेगा। क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, सारे एग्जाम्पल देखिए, एडिएटम आपको बिल्कुल टिप पर रहना चाहिए, साइलोटम टिप पर रखिए, हॉस्टल इकोसिस्टम टिप पर रखिए, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वर्ल्ड किसने दिया, हैकेल ने, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा टेरिडियोलॉजी। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। क्लियर। दूसरी चीज़ आप ये भी देखेंगे कि इसमें दो तरीके की लीफ्स हैं, मेगाफिलस जिनकी लीफ लार्जर है स्टेम छोटा है, जैसे फर्न आप देखेंगे, माइक्रोफिलस जिसमें स्टेम लार्जर है लीफ छोटी है, तभी मैंने माइक्रो वर्ड लगाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको सीखना है कि इसमें जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोहेप्लॉन्टिक है। क्यों मैंने डिप्लोहेप्लॉन्टिक कहा, क्योंकि इसका एडल्ट स्पोरोफिटिक है, मीन्स दैट सारी सेल्स डिप्लॉइड्स हैं, 2n स्टेज पाई जा रही है, 2n से n आएगा जब प्रोथैलस बनेगा। जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होगा, स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड, 2n होगी, उसमें जब मियोसिस होगा तब हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्लियर। क्लियर बात हो गई। तब स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स में डेवलपमेंट कैसा होगा, एक्सोस्पोरिक, तब बनेगा प्रोथैलस, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल एंथ्रीडियम जो ग्लोबुलर होगा, और छोटा सा फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम, जिसमें नेक कैनाल सेल में नेक सेल्स बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू ब्रायोफाइट, ओनली 2 और 3। क्लियर।
तो ये दो तरीके के स्पोर्स हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का लाइकोपोडियम एंड हेट्रोस्पोरस का सेलेग्निला, एजोला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, इंट्रो क्लास ऑफ टेरिडोफाइट ग्रुप। इसको देखिए और एनसीईआरटी से थ्रू आउट रीडिंग करिए। थैंक यू वेरी मच।